उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और बाकी सारे इलाकों का बड़ा महत्व है। मैं इस समय हूँ उन्नाव में, पंकज गुप्ता विधायक हमारे साथ हैं। ये अयोध्या यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, क्या राम जी ही पार लगाएंगे अब हर जगह से? देखिए, विकास के साथ साथ अध्यात्म भी आवश्यक है। आज के अगर वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में बताया जाए, हमारे बच्चे राम के संस्कार को जाने, कृष्ण को जाने, इससे बड़ा हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। और ये यात्रा कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, ये यात्रा कोरोना काल के भी पहले से लगातार जारी है। प्रत्येक गाँव से हमारी तीन तीन से क्षेत्र के जितने हमारे माता पिता समान बुजुर्ग हैं, उनको अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कराते हैं और वहाँ के संस्कार, राम के संस्कार हमारे बच्चों में आए, इस दृष्टि से लगातार हम लोग आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं। आप देखिए, आज जो अयोध्या का विकास हो रहा, जो मथुरा का विकास हो रहा, जो चित्रकूट का विकास हो रहा, लगातार इसी दृष्टि से काम चल रहा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी हर बार कहती है हम लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेंगर मामला उन्नाव में होता है और बीजेपी के पास क्या जवाब है? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि कुलदीप सेंगर जी उन्नाव जनपद के यशस्वी विधायक थे। दुर्भाग्य से आरोप प्रत्यारोप हुए और कोर्ट ने उनको सजा दी। अब मामला प्रकरण कोर्ट में है, इसलिए उसके विषय में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वो जनपद के यशस्वी विधायक थे। उन्नाव एक ऐसा जिला है जो एक और कानपुर, एक और लखनऊ, सौतेला व्यवहार हुआ है उन्नाव के साथ। निश्चित रूप से पिछली सरकारों में जिस गति से उन्नाव का विकास होना चाहिए था, उस गति से लखनऊ और कानपुर में बीच में होने के कारण विकास नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान में योगी और मोदी जी की सरकार में बिंदुवार काम हुआ है। चाहे बिजली का क्षेत्र का विकास रहा हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में विकास रहा हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हुआ। विकास की बात करें तो कोविड काल में लाशें जितनी गंगा में दिखी उन्नाव में, उतनी और किसी शहर में दिखी नहीं, ये कैसा विकास है? नहीं नहीं, ये एक उस प्रकार की भ्रांति पैदा करने का प्रयास किया गया जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार और उन्नाव बदनाम हो। उन्नाव और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी के साथ कोविड को नियंत्रित किया गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अन्य जनपदों के अपेक्षा उन्नाव में कोविड को नियंत्रण करने में पूरी ताकत लगाई गई, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रखी गई। मैंने स्वयं भी अपने स्तर से बहुत काम किया है, लेकिन प्रदेश और देश में भी व्यापक स्तर पर तैयारी करके काम किया गया। आप विदेशों की जब तुलना करेंगे अपने देश से और अन्य प्रदेशों की तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश से, तो निश्चित ही पाएंगे कि जितना काम कोविड कार्यकाल में अपने उत्तर प्रदेश में हुआ, शायद किसी प्रदेश में ना हुआ हो, और जितना देश में हुआ उतना अन्य किसी देश में हुआ हो। तीन मुद्दे जिसको लेकर आप जनता में जाएंगे कहकर कि हमें वोट दीजिए, किस आधार पर? देखिए, क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से जिस प्रकार से हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचारधाराओं, परंपराओं को पुनः जीवंत करने का काम हमारी सरकारें कर रही, और तीसरा व्यक्तिगत स्तर पर जो हम लोगों ने क्षेत्र का विकास किया और उपलब्ध रहे जनता के बीच में, रात दिन जनता के बीच में रहकर सेवा की, इन तीन विषयों को लेकर जनता के बीच। और आखिरी सवाल, क्या इस बार भी अयोध्या में राम ही पार लगाएंगे कि आपका काम भी कुछ पार लगाएगा? देखिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन काम के आधार पर ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने काम किया, इसलिए जीत हमारी होगी। पंकज जी, क्या खासियत है इस अयोध्या यात्रा की, कितने लोग जाते हैं और क्यों भेजते हैं? लगभग हमारे यहाँ से तीन बसें, 125 व्यक्ति हर गांव से, जो माता पिता समान हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से हम इस योग्य हो सके कि यहाँ की सेवा कर सके, उनको हमारी भारतीय संस्कृति, प्रभु राम के बारे में, हमारे देश के संस्कारों के बारे में जानकारी हो, प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसकी जानकारी हो, इस दृष्टि से हम लगातार अयोध्या भेजने का काम करें। ये भी कहा जाता है कि आपको राम पार लगाएंगे तो साल भर यही अयोध्या यात्रा लगा दीजिए आप। देखिए, दोनों, ये अध्यात्म और विकास, ये नदी के दो किनारे की भांति है और दोनों को, देश की गति के लिए दोनों का साथ साथ चलना आवश्यक है। कितने लोग जा चुके हैं अब तक और कितनों का जाना बाकी? आपके वोटर कितने हैं विधानसभा में, पूरी बात बताइए। लगभग 4 लाख मतदाता हैं और 5,000 हमारे तीर्थयात्री अयोध्या में तीर्थाटन करने के लिए जा चुके हैं। लोगों से पूछते हैं, चाची है के पहले गई रही अयोध्या? नहीं गई, पहली बार जा रही हो, क्या करोगी वहाँ जाकर? क्या करियो वहाँ जाकर अयोध्या में, क्या करियो? बताओ क्या करिए, पूजा कर देंगे और क्या करिए, क्या करियो अयोध्या जाकर, काहे जात हो? पूजा कीजिए और क्या कीजिए, स्नान कीजिए और क्या करा जाइए। हम तो हम पूछत रहे हैं, अब क्या करियो, पूजा करिए, स्नान करिए। आप पहली बार जा रही हैं अयोध्या, कितना उत्साह है, क्या सोच कर जा रही हैं? बहुत कुछ सोच के जा रहे हैं कि राम भगवान के दर्शन करेंगे और जो मनोकामना है वो सब पूरी करेंगे। बाबा बहुत दिन में दर्शन दिया, बुलाया है हमको, इसीलिए जा रहे हैं।
इसके पहले वहाँ पर टेंट में रही है मंदिर, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके पहले भाव था कभी भी जाने का, इच्छा रही है? बहुत भाव था कि हमारा मतलब राम जी के दर्शन करें, कभी हुए ही नहीं। अब मोदी जी को सुना कि हम नहीं गए, तो अब जरूर उत्साह हुई कि हम जरूर जरूर दर्शन करेंगे उनके। पहली बार जा रही चाची, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, देखने के भगवान के कब दर्शन मिलेंगे, हमें भी बुला ले एक बार दर्शन करने के लिए। बैगवा में का भरे हो, जरा दिखाओ, हमका काका लिए जा रही हो। साल है, कमर है, ये ओढ़ने ओढ़ने को है सब। पिए का कुछ नहीं रखी? आए पिए का है सब, पूरी सब्जी है, नाश्ता पानी है। कौन दे रहा है? वही मोदी। अच्छा, मोदी योगी पंकज गुप्ता का। अच्छा, दे रहे हैं उनका, बता दे रहे हैं कि चची कितना उत्साह है तुम्हें जाए के। हमार उनके भक्ति आए गुप्ता को लागे, बच्चा हमार नाती पुता है, नाती पुता हमार असुर प्रताप हमका ले जा रहे हैं उनके। राधे 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 राधे। पहली बार जा रही है इस बार आप अयोध्या, इससे पहले क्या क्या तैयारी की है, कितना उत्साह है जाने का? मुझे कुछ पहले, मैं तो सिराजपुर से आई हूँ, हमारी रिश्तेदारी यहाँ, तो मुझे कुछ पता नहीं, आज ही पता चला तो आज ही तुरंत चल दिए ऐसे। हाँ, निकल जाएंगे अयोध्या, इधर से निकल जाएंगे, निकलने के लिए तो आए ही हैं इधर। तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से क्या कपड़े ले आएंगे, भूखे भी रहेंगे तो भी चलेगा। बहुत खुश, बहुत खुश। बेहान है चाची, गाना गात रही, कौन गात रही, जामा का गाय के सुनाए दो, का गात रही? दो दिन का मेला रहेगा कायम, न जग का झमेला रहेगा, साथी परिवार समझा गए उपदेश, हरि चंद कृष्ण नाम, संपत नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम, तो इसके तो आगे भजन ही है साथी हरि के। उम्र नहीं होती है कोई भक्ति की, लेकिन उसके साथ साथ अयोध्या जाकर कम से कम यहाँ से वहाँ तक जाना और एक ऐसा सफर जिसे पूरा करने का पूरा प्रयास। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मनोज्ञा लोहिवाल, एबीपी न्यूज उन्नाव। ABP News, आपको रखे आगे।